तो अभी हम देख रहे हैं कि मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस काम में आता है, जो हमें यहाँ मिलता है व्यू में जाके स्लाइड मास्टर के अंदर। अब स्लाइड मास्टर में जो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन है, बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह है कि आपने फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ये कितनी स्लाइड्स हैं, तो 49 स्लाइड्स हैं हमारे पास इसके अंदर। इन 49 स्लाइड्स के ऊपर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ डेटा जिस पर मौजूद है। अब एक बात आती है, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे आप डिज़ाइन में गए, आपने यहाँ पे से कोई भी एक डिज़ाइन लिया, तो ये 49 स्लाइड्स पर अप्लाई हो गया। ठीक है, आसान हो गया काम। इसी तरह मैंने आपको समझा कि सबको अलग अलग अगर डिज़ाइन देना है तो फिर आपने ये ऑप्शन का यूज़ नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डन कर दें और फिर आपने एक एक को डिज़ाइन जो देना है तो वो यहाँ फॉर्मेट में जाके एक एक स्लाइड को सिलेक्ट करते जाएँ और उस पर कौन सा डिज़ाइन कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है वो यहाँ से आप चूज़ करते जाएँ। तो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन स्टाइल्स भी दे सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर यहाँ से दोबारा से डन कर देंगे। तो इसको डन कर देते हैं और इसको भी यहाँ से डन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से आप 49 स्लाइड्स के ऊपर अपना लोगो लगाना चाहती हैं, अपना टैग लगाना चाहते हैं या कोई शेप बनाना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखें, अगर आप इस स्लाइड पे कोई चीज़ भी ड्रॉ करेंगे तो वो इसी स्लाइड का पार्ट होगा। सेकेंड स्लाइड पर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना होगा, मतलब जैसे हमने स्लाइड में और यहाँ से जाके हमने एक शेप इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया तो ये स्लाइड पे ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको करना पड़ेगा होम में जाके कॉपी, या फिर आपको स्लाइड की डुप्लीकेट करके फिर उसको बनाना पड़ेगा। तो ये एक इशू रहेगा आपके साथ जब ज़्यादा स्लाइड्स हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हमें मिलता है स्लाइड मास्टर के अंदर। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये जो न्यू स्लाइड्स हम ले रहे होते हैं, बेसिकली ये सब ऑब्जेक्ट हैं, ये अपनी एक मेन स्लाइड का ऑब्जेक्ट है, ये अपनी स्लाइड का ऑब्जेक्ट है, ये एक स्लाइड का ऑब्जेक्ट है, तकरीबन 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑलवेज जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ओरिजिनल नहीं आता बल्कि ये उसकी कॉपी जनरेट हो जाती है, और कॉपी भी ऐसे जो लिंक है अपने मेन स्लाइड से, यानी कि ये सारी कॉपी स्लाइड्स हैं और इनकी जो मास्टर स्लाइड है वो हमें मिलेगी जाके व्यू में जाके स्लाइड मास्टर के अंदर। जैसे स्लाइड मास्टर में हम जाएंगे तो यहाँ पे हर स्लाइड की मास्टर कॉपी मिलेगी, मतलब ये कौन सी स्लाइड की मास्टर कॉपी है, ये टाइटल एंड कंटेंट की है, सेक्शन हेडर की है, टू कंटेंट्स की है, टू कंटेंट कंपैरिजंस की है, यानी कि इनके अंदर जब भी कोई चेंज करेंगे आप तो वहाँ पर वो मास्टर कॉपी में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके एक चेंज कर देता हूँ इस स्लाइड में, तो इसमें कुछ सेटिंग्स पहले से हुई हुई है लेकिन मैं एक छोटा सा चेंज ये कर रहा हूँ इसके अंदर, इंसर्ट में जाके इसमें एक शेप ऐड करा देता हूँ। तो ये इसके मास्टर कॉपी है इसकी, मतलब ये ओरिजिनल कॉपी है, इसके अंदर जाके ये चेंज हो गया। और यहाँ से स्लाइड मास्टर से जैसे मैं बाहर आऊँगा तो आप जब भी इस तरह का कोई कंटेंट ऐड करेंगे, यानी कि लेआउट ऐड करेंगे, तो उस पर ये आपको चीज़ चेंज नज़र आएगी, उसको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जितनी आप कॉपीज़ ये लेते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये ऐड होती चली जाएगी। अब जब अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो व्यू में जाके यहाँ से स्लाइड मास्टर में जाएंगे और मास्टर स्लाइड में जाके फिर आप इसको जो भी चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो वो वहाँ पर चेंजेस ऑटोमेटिकली उन स्लाइड्स के ऊपर पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर ख़त्म ही करना है उसको तो व्यू में जाके यहाँ से स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे और मास्टर स्लाइड में जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और जैसे डिलीट करेंगे वो यहाँ से डिलीट करेंगे। सिमिलरली आपने यहाँ पे कौन सी स्लाइड यूज़ की है, अब यहाँ पे आपने कौन सी स्लाइड यूज़ की है यहाँ से पता चलेगा, ये आपने टाइटल स्लाइड यूज़ की थी, इसको डिलीट कर दिया मैंने, और ये कौन सी स्लाइड है, तो यूजली हमने सब में टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ही यूज़ की है। अब टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड यूज़ की है तो आप उसके व्यू में जाके उसके स्लाइड मास्टर में जाके टाइटल एंड कंटेंट के मास्टर को जैसे आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट का मास्टर ये है, तो इसमें आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि भाई हाइडिंग जो स्टाइल है उसका जो फॉन्ट और जो उसका साइज है वो यहाँ से आप चेक कर लें कौन सा है, ये सेट हुआ हुआ। आप चाहते हैं नहीं इन सबका फॉन्ट चेंज हो जाए, मतलब सबका फॉन्ट जो है मैं चाहता हूँ कि वो ये वाला फॉन्ट हो जाए इसका और ये ऐसा नज़र आए, ये वाला, और साइज 44 से मैं एक्सटेंड करके उनका करना चाह रहा हूँ 48 पर। ठीक है, कलर्स अगर चेंज करना चाहे, उसके बाद जो इसका हेडिंग वन होगा मास्टर लेवल, जो हेडिंग वन होगा उसका साइज 32 में करना चाह रहा हूँ 36, और जो लेवल टू होगा ऑटोमेटिकली उसका साइज में 32 करना चाह रहा हूँ, और लेवल थ्री जो होगा उसका साइज में 28 करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई और चेंज करनी है, शेप बनाना है, कलर चेंज करना है, व्हाटएवर जो भी इफेक्ट करना है, या फिर जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम नजर आ रहे हैं या स्लाइड का नंबर नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करना है, तो ये चेंजेस भी आप यहाँ से बखूबी कर सकते हैं।
और उसके बाद इस स्लाइड को एडिट करके क्या था, स्लाइड मास्टर में जाके क्लोज स्लाइड मास्टर करेंगे तो आपको ये फर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए स्लाइड नंबर हमारे नजर इसलिए नहीं आ रहे, हमने अप्लाई नहीं किए हुए, होम में जाके जैसे ही हम ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखे सबका फॉन्ट एक साथ में चेंज कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि यार ये अगर डिफरेंट स्लाइड्स आपने लेआउट यूज किए हैं, मिसाल के तौर पे आपने इसके बीच में मैंने जैसे बताया कि आपने ये वाला भी यूज किया है, आपने ये वाला लेआउट भी यूज किया है, ये वाला भी यूज किया और आपने एक मेरा ख्याल है कि ये वाला लेआउट भी यूज किया है जो ये सेक्शन हेडर वाला है, फिर इनमें के अलग अलग सब में चेंजेस करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मतलब स्लाइड मास्टर में जाएंगे फिर से हम, और यहाँ स्लाइड मास्टर में जाने का फिर किसी की मास्टर कॉपी को सर्च करेंगे, उसमें वो चेंजेस करेंगे। इसका एक आसान हल है कि इन सारी स्लाइड्स की और मास्टर कॉपी, ये मास्टर स्लाइड इसकी ठीक है, ये इनकी मैन स्लाइड है। अब ये चेंज हम इस पर कर लेते हैं जाके कि हर स्लाइड का जो मास्टर होगा उसका फॉन्ट साइज 48 होगा और उसका फॉन्ट जो है ये फॉन्ट होगा। और फिर इस मास्टर कॉपी में हम ये भी डिसाइड कर लें कि भाई यहाँ पे कोई शेप या कोई डिज़ाइन अगर हमें डालना है, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे कोई एक डिज़ाइन डालना है, जैसे इस तरह का कोई एक डिज़ाइन हमने यहाँ से बना के और उस पर ऐसे करके ऐड करा दिया, और उसको राइट बटन दबा के सेंड टू बैक भी कर दिया और उसका कंट्रोल डी लेके एक डुप्लीकेट भी ले लिया, और डुप्लीकेट लेने के बाद उसको यहाँ से ले जाके हमने उसको इस तरीके से शो कर दिया। दोनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में हमने यहाँ से कोई ग्रेडियंट शेडियंट भी लगा दिया, अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसके जो स्ट्रोक्स थे वो हमने यहाँ से ख़त्म भी कर दिए। ठीक, अब इसको हम क्लोज मास्टर व्यू कर देते हैं तो आप देखेंगे तमाम के सब के लेआउट्स के ऊपर वो एज इट इज अप्लाई। वो अलग बात है कि टेक्स्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, टेक्स्ट इसके नीचे नज़र आ रहा है, फिर हमें इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कितनी स्पीड में हो गया और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। स्लाइड मास्टर में दोबारा चले गए, यहाँ से क्लिक करके हमने इसके मास्टर कॉपी पे क्लिक किया था, यहाँ क्लिक करके हमने शिफ्ट के साथ दोबारा दोनों को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में जाके हमने इसका कलर थोड़ा सा ग्रेडियंट में हल्का लगा दिया, ग्रेडियंट्स कर ली, यहाँ क्लिक करके सारे ग्रेडियंट्स लगा दिए और उन पर राइट बटन दबा के सेंड टू करके सेंड बैकवर्ड कर दिया, सेंड टू बैक कर दिया। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम स्लाइड मास्टर में गए, क्लोज मास्टर कर दिया हमने यहाँ से। अब ये देखिए हर स्लाइड पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, चाहे वो किसी भी लेआउट की हो, और जो नया लेआउट करेंगे सब के अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ये इस तरह कोई भी टैग लगाना है, लोगो लगाना है, अपना ब्रांड नेम लगाना है, तो वो उसके लिए अलग अलग जाके करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मास्टर स्लाइड को ही जाके एडिट कर लें। इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो आपका लोगो है या शेप है वो लेके आप इजीली इसके अंदर लगा लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे गए लेटेस्ट के अंदर और लेटेस्ट में जाके हमारे पास सपोज भी ये हमने अपना ब्रांड तौर पर लगाना है या ये लगाना है, लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया पर इस साइड पे ऐसे करके लगा, ठीक है। तो ये जैसे ही ऐड होगा यहाँ पे इसको आपने यहाँ से राइट बटन दबा के सेंड टू बैक ये बैक कर दिया। अब क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे तो आप देखेंगे तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये एज इट इज ऐड हो गया और कोई इसको यहाँ से डिलीट भी नहीं कर सकता। तो ये इसका एक इजी सोल्यूशन है मास्टर स्लाइड के जरिए काम करने का, ठीक है। और भी काम कर सकते हैं मास्टर स्लाइड में हम, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप स्लाइड मास्टर में जाके अपना ही कोई मास्टर ऐड कराना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसमें ये काफ़ी सारे लेआउट्स मौजूद हैं, अब आप एक अपना लेआउट बनाना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट लेआउट, एक लेआउट ऐड होगा, उस लेआउट पर कुछ डिफॉल्ट चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइटल नहीं चाहिए, फूटर नहीं चाहिए, सब हट गया, ब्लैंक है। अब मैं कैसा बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने हिसाब से एक लेआउट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे कि मेरी प्रेजेंटेशन में एक टाइटल होगा वो यहाँ नज़र आएगा,
इंसर्ट में जाके प्लेस होल्डर्स में टेक्स्ट बॉक्सेस पिक्चर्स का ऑप्शन चाहिए। एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जो इस हिसाब से ऐसे बना हुआ होगा जो इतना एरिया कवर करेगा जिसमें मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक जो है प्लेस होल्डर मुझे पिक्चर का भी चाहिए, तो एक पिक्चर का प्लेस होल्डर होगा वो मैं यहाँ से ले लूँगा। इसका पिक्चर इस हिस्से में इस तरह से मैं इसको ऐड करूँगा और ये इसके साथ पैरेलल इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हट के इसका एक फूटर सेक्शन भी चाहिए होगा हमें, तो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया। फूटर सेक्शन के लिए हम इंसर्ट में गए और फूटर के लिए गए ऑनलाइन इमेज मीडिया स्मार्ट टेबल वगैरह, इसका तो कोई ऐसा है नहीं। कॉन्टेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे करके डिज़ाइन कर देना है। ये फिल्टर ये पूरा मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर कोई जो टैक्स वगैरह है वो यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा, तो ये ऐसे ही दिखाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है। ये एक लेआउट आपने अपना बना लिया, इसमें लोगो वगैरह ऐड करना है वो आपकी मर्जी है, कर दें। इसको स्लाइड मास्टर में से बाहर आ जाएँ, क्लोज स्लाइड मास्टर कर दें, फिर आ जाएँ होम के अंदर। अब आपको अगर ये लेआउट ही रिक्वायर्ड है, मतलब जो आपने बनाया है, तो उसको भी आप ऐड करा सकते हैं ईजीली। कैसे ऐड करा सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में क्लिक करेंगे, आपका लेआउट भी देखिए बना बनाया यहाँ पर नज़र आया और उसको आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई समझ बात, तो अपना लेआउट भी बना सकते हैं, जो बने बनाए लेआउट से उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें कोई खास प्रोजेक्ट पे एक अच्छा सा लेआउट बना के उसी पे पूरा प्रेजेंटेशन बनाना है तो इनको छोड़ दो, अपना लेआउट भी आप इसमें मास्टर स्लाइड में जाके बना सकते हो और फिर उसको बार बार यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और जब भी चाहो उसको एडिट करना तो आप व्यू में जाके स्लाइड मास्टर पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं, और व्हेनेवर आप डिलीट करना चाहो तो राइट बटन दबा के आप उसको यहाँ से रीनेम लेआउट ऑप्शन है, डुप्लीकेट है आई थिंक, सो डिलीट डिसेबल हो रहा है तो हम शायद उधर यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ से वहाँ पे हमने यूज़ किया है इसलिए डिलीट नहीं हो पा रहा होगा। इस पर आ रहा है ना, तो वहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा होगा कि हम उसी को यूज़ कर रहे होंगे ना, वहाँ पे ये लिया हुआ है हमने। तो यहाँ से पहले इसको डिलीट कर देते हैं और फिर अब यहाँ पे जाके दूसरे लेआउट पे व्यू में जाके फिर स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे और जो हमारा स्लाइड है वो ये वाला राइट बटन दबा के इसको ईजिली डिलीट। तो ये देखिए इसमें और भी लेआउट बने हुए हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी बनाया हुआ है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में बनाया हुआ है। तो ये मास्टर स्लाइड है जिसके मदद से आप मास्टर लेआउट बना सकते हैं और स्लाइड्स की मास्टर कॉपी को एडिट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं।